नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ अविनाश पांडे। और जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं के तेवर भी सामने आ रहे हैं। जी हां, एनडीए गठबंधन में लगातार उठापटक चल रही है। और इस बीच रालोसपा के बागी विधायक ललन पासवान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नेताजी बोलते बोलते वो सब कुछ बोल गए जिनसे वो लगातार सामने बोलने से बचते रहते हैं। सुनिए जरा आप भी और देखिए किस तरीके से कुर्सी के प्रेम में नेताजी मतमौले हुए हैं। बात समझ गए हमने के बिहार वाले लाइन में नखी से वो बताओ तनी हमने के गोल गोल मारे को तो दिल्ली वाले मारल रे हमने के बिहार में गया मंत्रिमंडल में हमने के जान लिखी जाए क्या मंत्री मतलब बैठ के रहो तो हम भीख मांगते हो बिहार में मार लगा हम 2 मिनट में कमिश्नर के अब लोग जानते नहीं के कामे गड़बड़ा जाए और नीतीश कुमार से हमने के मैंने गड़बड़ा जाए समझ नहीं हमने एमबीए में बानी से पटिया चलावल जाए ठीक ठाक रही आप मतलब वही केंद्र में सोच रहे हैं हमने के गोल मारे तो नहीं पिलाती पर विधायक है तो एमपी का चुनाव लड़ भी लिए इस बार एमपी लड़ सकते हैं आप पिछले बार हम लड़े थे नहीं इस बार क्या लग रहा है इस बार इच्छा है मिलेगा तब नेट पर हपाई पे गोल ठोक दिया नेट में फट से चाहे रालोसपा छोड़ के भाजपा जाना पड़े अब ऐसी स्थिति आएगी तब ना अभी कहाँ ऐसी स्थिति है मतलब एक ऐसा है कि चांस बंद माने कि आपको कह दिया जाए कि हम आपको बता रहे हैं हम लोग तो 2 महीने मेहनत कर देंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जी का उपेंद्र कुशवाहा जी के आपके आराम में तो हम लोग से भेंट है ना आप लोगों से उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं हम लोग आप लोग कार्यक्रम में अरुण कुमार जी कह रहा हूँ कि 200% अगर ये बात रहता तो सुनिए आपको बता रहे हैं नीतीश कुमार जी के यहाँ जाइए मन करता ना उसी दिन चले जाते और आगे जाएंगे तो काले मंत्रिमंडल के विस्तार हो जाएगा ब्रदर आप मेरे बारे में आप बढ़िया से नहीं जानते हैं और नहीं जानते हैं तो मैं आपको एहसास नहीं करा रहा मैं अगर ये काम करता तो 15 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहते मैं उपेंद्र कुशवाहा कुमार के चलते नेता विरोधी दल बने थे उसी समय से मैं 15 साल ऑन रोड मुझे मुझे शौक नहीं था मैं आरजेडी में गया था उस समय हमको कुछ पूछने भी नहीं आया था मेरी मेमोरी खत्म हो रही थी और मेरी लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा चलते हुए थी रामाश्रय बाबू मंत्री बने थे हार गए थे हम ये आपको बता रहे हैं कि हम लोग उस लाइन में नहीं हैं लाइन में अगर होते तो नीतीश कुमार जी और आप टीवी भी चलाया था कि सुधांशु का ललन पासवान अभी तो सब कहता है कि ललन पासवान के चलते मंत्रिमंडल विस्तार रुक गया क्योंकि जदयू में नहीं गए तो हम ना जदयू वाली बात नहीं है बात आप जब पूछ रहे हैं तो जब बात कोई आएगी तो हम लोग का जरूर मियाज था कि मैंने मियाज है भी कि लोकसभा ससुराल अगर देगा तो विचार किया जाएगा लेकिन अब तो हम लोग की बारी आ गई दोनों एमपी अगर हो जाएगा साथे हो जाएगा तब तो लड़ाई यू टर्न होगा जिसकी आप बात कर रहे हैं लोकसभा के तरफ डाइवर्सन होगा क्योंकि भाई आप दे रहे हैं तो 2 को वहाँ दे रहे थे तो 2 को हम लोग को 3 को था ना भाई तो जब उपेंद्र कुशवाहा छोड़ा के बाकी लोग हैं तो कुछ तो दीजिएगा ना हिस्सा मांगना कोई पटना में सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश सरकार ने किसानों को केवल प्रलोभन दिया है और जनता को ठगने का काम किया है पप्पू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की समस्याएं आज भी जस की तस हैं जैसा पहले थी उन्होंने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या सुखाड़ और कृषि लोन की है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही तो नीतीश कुमार जी ने इतनी बड़ी ज्यादती की एक कमिश्नरी में एक जिले को सुखाड़ घोषित कर दिया 2 जिले को छोड़ दिया अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सा मौसम वैज्ञानिक नीतीश कुमार जी नया ढूंढ के लाए हैं एक ही कमिश्नरी में 3 जिला 2 सुखाड़ घोषित नहीं हुआ और 1 सुखाड़ घोषित हो गया और बिहार लगभग सुखाड़ के चपेट में है और अभी तक नीतीश कुमार जी के घोषणा के बाद सरकारी योजना के तहत सरकारी किसी भी तरह का लाभ जिलों को अभी तक किसानों को नहीं मिले या आम आदमी को नहीं मिले एक दूसरा धान लगातार आप 1400 और 1700 समर्थन मूल्य की बात आप कर रहे हैं नीतीश कुमार जी आप क्यों नहीं खुद किसान का धान खरीदते हैं और आप बाजार में जाते हैं
जबकि इस बात का पता है कि एक भी धान क्रय केंद्र काम नहीं कर रही है और जहां खुला वो भी नहीं कर रहा है और 80-85% धान क्रय केंद्र नहीं खुला। और पटना के इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधक ने पुराने सॉक्स के बदलने पर सॉक्स नए खरीदने को मजबूर किया है और बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं बीते शनिवार को छात्राओं ने भी स्कूल में जमकर हंगामा किया था। ये सब तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब बच्चे से आया पांच ही बच्चों को क्यों टारगेट करते हैं? एकदम परेशान किया है। हम अपनी बच्ची को निकाल लेते हैं। हमको नहीं पढ़ाना बच्ची ने बोर्ड की बात। हम फार्म भरवा लेंगे। एक मिनट, हम ये जानना चाहते हैं कि इनके पेरेंट्स को बुलाया गया नहीं? हमारी बेटी इतनी नहीं बुलाया गया, मुझे नहीं बुलाया गया। बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत टॉर्चर। मेरी बेटी का है, मदर को बुलाया गया। मदर आई है, चिट्ठी फर्जी है, मदर आई है। ये बच्ची नहीं, इनकी मदर आई, मगर इनकी बच्चे को तुम्हें बाबा है। मैं नहीं बुलाया कभी, बारा कभी बुलाई, कोई नहीं बुलाया मैडम। ये चिट्ठी फर्जी बनाए का बच्चे को दबाव बना रहे हैं। फर्जी नहीं, ये वही बच्चे हैं जिनका वीडियो है। अर्पिता पांडे दिव्यांशी और ये पांच, ये वही बच्चे हैं जिनका वीडियो है। वीडियो में बुलाइए बच्चों को अभी। पटना सिटी के खाजे कलाक थाना क्षेत्र के नाथ गोल्ड स्टोरेज के समीप एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि मोहम्मद जहांगीर की हत्या आपसी रंजिश के कारण हुई है और मृतक की पत्नी ने कई लोगों में को नामजद अभियुक्त भी बनाया है। वहीं जहांगीर की मौत से इलाके में चारों तरफ शोक का माहौल है। अरे होगा, क्या होगा, मतलब क्या हुआ? आप लोग कुछ नहीं बोले। पटना में शराब पीने से रोकने पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। खबर है कि कदमकुआ थाना अंतर्गत काजीपुर इलाके में बीती रात सार्वजनिक जगह पर खुलेआम शराब पीने से रोकने पर स्थानीय लोगों पर अपराधियों ने फायरिंग की और पथराव भी किया, जिसमें चार लोग घायल होने की खबर है। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। कम से कम इतना होती रहता। खोलो, ठीक है। बीच तो बीच के भी आप लोग चले जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल। वैशाली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने बंधन बैंक कर्मी हत्याकांड का खुलासा किया है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को वैशाली में बंधन बैंक कर्मी की गोली मारकर पैसे लूटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी और आखिरकार पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। दिनांक 13/12/18 को बीबीपुर थाना क्षेत्र के बराठी एवं बीबीपुर रेलवे स्टेशन के बीच में अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा बंधन बैंक के कर्मचारियों को मोटरसाइकिल लगवा के बंधन बैंक के कर्मचारियों के पास से उनका बैग सहित कुल 80,000 रुपया लूटने के बाद बताई गई करने पे विकास कुमार जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं उनको इन अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार दी।
पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई की गई। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मूल्यांकन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के साथ साथ सचिव भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर जिले से आए शिक्षकों को बताया गया कि किस तरीके से पुस्तकों का मूल्यांकन करना है। और लिखित रूप से आप हमें ले लेंगे, मौखिक रूप से इंटरेक्शन करेंगे ही, लेकिन यदि आप कोई लिखित सुझाव देना चाहते हो तो आप पेपर सही कर। वो बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ भी जुड़ा हुआ है। सहरसा के बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर कोशी संगठन के युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ओवरब्रिज जब तक नहीं बन जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिएगा इधर, देखिएगा एक बार। इसका मुख्य उद्देश्य है शहर को जाम से मुक्त कराना। अब शहर के बीचों बीच बंगाली बाजार ढाला, इसके जाम रहने के कारण पूरा शहर दो भागों में बटा हुआ है। पूरा शहर अस्त व्यस्त रहता है जाम से। उस ढाला पे इमरजेंसी पेशेंट फंस जाता है, कई बार लोगों का वहाँ ऐसा हादसा हुआ है, जान भी गया है। स्कूली बच्चे फंस जाता है, जिसका स्कूल जाने में जिसे लेट हो जाता है। आज लगभग 20 वर्षों से यह मांग चला हुआ है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधियों द्वारा और बड़े नेताओं द्वारा सिर्फ वादा किया जाता है और इसे भुला दिया जाता है। इससे पूरा जनता आक्रोश में है। हम लोग एक कोसी युवा संगठन के तत्वाधान हस्ताक्षर अभियान चलाए हुए हैं और 1,00,000 हस्ताक्षर पूरा करके इसे केंद्र सरकार को सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। सहरसा जिले में लगने वाले रक्तकाली 64 योगिनी धाम मेले का उद्घाटन हुआ है और मेले का उद्घाटन आपदा प्रबंधन एवं लघु सिंचाई मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने किया। मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि सहरसा की समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। वहीं मेले में उद्घाटन कार्यक्रम में जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। करने के लिए आग्रह करेंगे, कि उतनी जमीन अधिग्रहित हो जाए तो कंट्रेक्टर को गो हेड दीजिए और कंट्रेक्टर अपना काम करेगा और इसमें बाईपास। फिलहाल खबरों में इतना ही, बन रहे न्यूज़ 1 11 के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।